हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में और सामने लाने वाले हैं कुछ ऐसे ही शॉकिंग और स्केरी फैक्ट्स अबाउट द डार्क वेब। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि डार्क वेब क्या है, तो मैं बताती चलूँ कि डार्क वेब इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा है जिस तक हम कॉमन गूगल सर्च इंजन को यूज़ करके नहीं पहुँच सकते। इसे जानबूझकर छुपाया गया है और इस पे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चलते हैं डार्क वेब के फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उन्हें इतना अंदाज़ा होगा कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत वसी पैमाने पर इंटरनेट मौजूद है और वो इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम सर्फिस इंटरनेट कहते हैं। लेकिन डार्क वेब सर्फिस इंटरनेट से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, डार्क वेब को आप एक ख़तरनाक और मिस्टीरियस डिजिटल अंडरवर्ल्ड भी कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, डार्क वेब को यूज़ करने के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लाइक द ऑनियन राउटर, जिसे यूज़ करके आप ना सिर्फ डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि इसको एनोनिमसली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि डार्क वेब पर आपकी आइडेंटिटी एक सीक्रेट है और उस पर की जाने वाली तमाम एक्टिविटीज़ भी सीक्रेटली की जा सकती हैं, यानी कि कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या है एक्सेप्ट फॉर द हैकर गाइस। फैक्ट नंबर 3, डार्क वेब ब्लैक मार्केट के लिए बदनाम है, जहां पर इलीगली बहुत सी चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं जिनमें ड्रग्स से लेकर नकली पासपोर्ट तक शामिल हैं। डार्क वेब एक्चुअल में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मरकज़ है। फैक्ट नंबर 4, शायद आप ये सोच रहे हो कि आपका डार्क वेब से कोई लेना देना नहीं, ना ही आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपका डाटा डार्क वेब पे नहीं हो सकता। जी हाँ, है ना ये डरा देने वाली बात। डार्क वेब चुराए हुए डाटा के लिए एक हॉट स्पॉट है। हो सकता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम्स, फोटोज़, यहाँ तक कि आपके पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी डार्क वेब पर मौजूद हों। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड मूवीज़ में आप लोग देखते ही होंगे कि कैसे ठाकुर अपने गुंडों से मर्डर्स करवाते हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी इस काम के लिए किलर्स को हायर किया जाता है। मगर आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि डार्क वेब पर इस बात की प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है। जैसे यूट्यूब पे डिफरेंट सर्विसेज के एड्स चलते हैं, वैसे ही डार्क वेब पे भी मर्डर और वायलेंस के लिए हिटमैन फॉर हायर के एड्स चलते हैं। फैक्ट नंबर 6, रेड रूम। रेड रूम के बारे में आपने सुना ही होगा। अक्सर कहा जाता है कि रेड रूम रियल नहीं है बल्कि सिर्फ एक मिथ है। जो लोग नहीं जानते कि रेड रूम क्या होता है, तो दरअसल रेड रूम को एक ऑनलाइन वेबसाइट से रेफर किया जाता है जहां गैर कानूनी और घिनौने काम किए जाते हैं, जैसे कि टॉर्चर, वायलेंस या इवन मर्डर, और यह सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर चल रहा होता है। और आप शॉक हो जाएंगे ये जानकर कि इसको देखने के लिए लोग पैसे देते हैं और बाज़ औकात ये उन्हीं क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किया जाता है। और कहा जाता है कि ये सब कुछ डार्क वेब पर अवेलेबल है। डार्क वेब पर बाकायदा डिस्टर्बिंग डिस्कशन फोरम्स होते हैं जहां पर यूजर्स गैर कानूनी और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हैकिंग से लेकर टॉर्चर तक के टॉपिक्स शामिल हैं। फैक्ट नंबर 8, ऐसा नहीं है कि डार्क वेब गवर्नमेंट से छुपी हुई है, बल्कि गवर्नमेंट इसे मॉनिटर करती है और इलीगल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि डार्क वेब बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है, इसीलिए इसे मॉनिटर करना भी बहुत मुश्किल है और इन एक्टिविटीज़ का सिलसिला अभी तक जारी है। फैक्ट नंबर 9, डार्क वेब पर यूज़ होने वाली क्रिप्टो करेंसीज में से बिटकॉइन सबसे ज़्यादा मकबूल है और इसने लोगों की शनाख्त करने को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। फैक्ट नंबर 10, डार्क वेब और लीगल एजेंसीज के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल जारी है। जैसे ही गवर्नमेंट किसी इलीगल एक्टिविटी को ख़त्म करती है, दो नए गैर कानूनी कार्रवाइयाँ सामने आ जाती हैं और इसे कभी ना ख़त्म होने वाली जंग बना देती हैं। तो ये थे कुछ स्केरी फैक्ट्स अबाउट द डार्क वेब। कोशिश किया करें कि आप भी इंटरनेट को सेफली यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप एक्सप्लोरिंग।